गुना संसदीय क्षेत्र में तीसरे जिले के तौर पर अशोकनगर आता है। 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यहां भी चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। आज 11 तारीख को सामग्री वितरण के साथ ही चुनाव प्रक्रिया में लगे लोगों का आना जाना शुरू हो गया। कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने सारी व्यवस्थाओं की देखरेख आज खुद की है। सुबह से ही नेहरू महाविद्यालय के प्रांगण में मतदान दलों का और दूसरे लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। यहां पर पहली बार लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। पूर्व की भांति इस बार कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव भी किया गया है। लोकसभा चुनाव की बार को लेकर कहा जाए तो पहली बार यहां मतदान के लिए जाने वाले लोगों को बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई थीं। बड़ी बात यह है कि शादी जैसे बड़े सीजन के बाद भी इस तरह की व्यवस्थाएं करना एक कठिन काम था। साथ ही 7,000 से ज़्यादा लोगों को इस बार चुनाव में लगाया गया है। इसके अलावा 1500 पुलिसकर्मी भी इस चुनाव में ड्यूटी दे रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि इस बार कई नवाचार किए गए हैं, जिसमें पोलिंग बूथों में पिंक पोलिंग बूथ और दिव्यांगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही जो बसें इस बार लगाई गई हैं उनमें जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है। देखिए कलेक्टर सारी व्यवस्थाओं के बारे में खुद क्या बता रही हैं। तैयारी कर ली गई है और आज हम लोग का मतदान दिवस से पूर्व हम लोग सामग्री वितरण करवा रहे हैं, जिसके लिए नेहरू डिग्री कॉलेज से हम लोग तीनों चंदेरी, अशोकनगर और मुंगावली विधानसभा के लिए सामग्री का वितरण हो रहा है, जिसमें सामग्री के साथ साथ उनको ईवीएम मशीनें भी आज दी जाएंगी। और सारी बसें हमारी हो चुकी हैं, लगभग हमारी 162 बस की गई हैं और जो छोटे वाहन हैं वो भी लगभग हमारे 100 हैं। इस बार की जो नई व्यवस्था है, जितनी भी मशीन जो भी मशीनें होंगी ईवीएम, हमारी हर वाहन और उसमें जितने वाहनों में वो मूवमेंट करेंगी उन सब पर जीपीएस ट्रैकिंग का सिस्टम लगाया गया है, तो वो सारे हमारे पूरे सुबह तक लग चुके हैं। सभी हमारे जो इसमें हमारे आज के दिन में तीनों विधानसभाओं को मिला के हमारे लगभग 4,500 पोलिंग पर्सनल्स लगे हुए हैं, जिसमें सेक्टर जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं वो 80 हैं और बाकी पोलिंग पार्टीज हैं हमारी। एसपीओज भी हमारे 765 मतदान केंद्र हैं, जिस पर पुलिस की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बाहर से भी जो होमगार्ड्स और कंपनीज आई हैं वो आ गई हैं, उसका डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है। हर क्रिटिकल बूथ 177 जो हमारे क्रिटिकल बूथ्स हैं उन सबको हमने जो ईसीआई के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग वीडियोग्राफी, वेबकैम और सीसीटीवी से कवर किया है। और इसके साथ साथ जो सीएपीएफ है वो भी हम लोगों ने जो हाईएस्ट कैटेगरी का क्रिटिकल है C1 कैटेगरी उसको अलॉट किए हैं सीएपीएफ, और रेस्ट उसमें हम लोगों ने C2 में माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ भी पूरा किया है। तो मोस्टली हमारे 177 में से मोर देन 100 हमारे डबल मेजर से कवर हैं सीएपीएफ और नॉन सीएपीएफ से। तो पूरी व्यवस्था है, पार्टीज हमारी सामान डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ हो चुका है, पार्टी हमारी लगभग 12 बजे से मूवमेंट शुरू कर देंगी और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगी। हम पार्टियों को जो सामग्री वितरित की जाती है एक बार उसमें भी कुछ व्यवस्थाओं सामग्री वितरण में हम लोगों ने पिछले विधानसभा में भी प्रयास किया था कि उनको हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट करा के उनको बिठाल के दें, तो गत विधानसभा में हमारी चंदेरी और मुंगावली में तो हम ये व्यवस्था कर पाए थे, केवल अशोकनगर छूट गया था। इस बार हम लोगों ने पहले से पूरी व्यवस्था करके, और कठिन समय था क्योंकि आज शादियां कल शादियां बहुत रहेंगी, टेंट और फर्नीचर की बहुत असुविधा हुई थी, परंतु इसके बावजूद भी विभिन्न संसाधनों को जुटा के पूरी टीम ने सारी व्यवस्था कर ली है और उन्होंने इस बार भी सामग्री उनको उनकी टेबल पर पहुंच रही है और वो सारे उनको बैठक व्यवस्था उनकी पर्याप्त की गई है, टेंट पर्याप्त लगाए गए हैं, पानी की पूरी व्यवस्था है। इस बार भी हम लोगों ने महिलाओं के द्वारा संचालित बूथों की संख्या 30 रखी है और उन 30 में हमारी 2 नगर परिषदें हैं पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होगी, ईसागढ़ और शाडोरा, और बाकी हमने अशोकनगर मुख्यालय पे नगरीय क्षेत्र में 5 पिंक बूथ बनाए हैं, चंदेरी में भी हमारे 3 हैं और मुंगावली में 5 हैं। और इसके साथ साथ पिछली बार हमने विधानसभा में 1 दिव्यांग बूथ बनाया था, इस बार हम लोगों ने 3 दिव्यांग बूथ नगर अशोकनगर नगरीय क्षेत्र में, मुंगावली नगरीय क्षेत्र में और चंदेरी नगरीय क्षेत्र में बनाया है। और इन दिव्यांग बूथ पर हमारी दिव्यांग साथी ही काम करेंगे और जिनके हम लोगों ने परिवहन की व्यवस्था भी पृथक से की है। हम पूरे चुनाव के लिए लगभग कितना मानव संसाधन आप ले रहे हैं? यदि पुलिस और सब मिलाएं लगभग 7,000 के आसपास हमारा मानव संसाधन लगा हुआ है।
क्योंकि इस बार चुनाव के समय में शादियों का एक बड़ा सीजन है, तो उसको लेकर भी एक नई व्यवस्था आपने की है। हम लोगों ने शादियों में बस वगैरह के लिए ये बोला था कि हमने अलाउ नहीं किया, उनसे कहा था कि आप लोग कहीं और से अरेंज करें, पर उनको उसके लिए भी हम लोगों ने फैसिलिटेट किया है। हमारी टीम ने उनको गाइड किया है कि वो कहां से कर सकते हैं, और जो बसें हमें जितनी चाहिए थी उसके अलावा हम लोगों ने उनको विमुक्त भी किया। शादियों के कारण वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हो सकता है, उसको लेकर जो कुछ स्पेशल किया गया है। हाँ, हम लोगों ने सभी से निवेदन किया है, हमारे जिन घरों में भी शादियां हो रही है वो चिन्हित भी करवाए हैं परिवारों को वार्ड वाइज और पंचायतवार, और उनसे निवेदन किया है कि अनुरोध किया है कि वो पहले अपना पोलिंग करें और उसके बाद अपनी बारात में जाएं, या दुल्हन है तो पहले कर दे या तैयार होके वोट करके आए और फिर करें। तो उम्मीद है कि हमारे अनुरोध को पूरी हमारे यहाँ के नागरिक ध्यान रखेंगे और अधिक से अधिक मतदान करेंगे। कुछ स्पेशल किया गया है अगर दूल्हा दुल्हन वोट? यदि दूल्हा आता है तो कोशिश करेंगे, वैसे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्यू लेस हो हमारा सिस्टम, क्योंकि छाया पानी की व्यवस्था की है, तो यदि हम उनको सुविधा उपलब्ध कराए शीघ्र अतिशीघ्र उनको वोट कराने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे उनसे। जिला प्रशासन के अलावा पुलिस ने भी इस चुनाव के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों के लिए या मतदान केंद्रों के लिए बाहर से आए पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस बार करीब 1500 से ज्यादा जवान इस ड्यूटी में रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं इस बार रहेंगी? जी देखिए, जिला पुलिस बल अशोकनगर में जो कल मतदान होने वाले हैं इसको देखते हुए पूरी तरीके से सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। जितने भी केंद्र हैं, 765 जो मतदान केंद्र हैं, सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक पुलिस बल सभी जगह पर लगाया जा चुका है। 58 अति संवेदनशील केंद्रों पे CISF का जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है वहाँ उनको तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य संवेदनशील केंद्र हैं जिनकी संख्या 177 है टोटल संवेदनशील केंद्रों की, उन सभी पे पर्याप्त पुलिस बल SAF और CISF पर्याप्त बल लगाया गया है। उनके साथ साथ में CCTV, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग के जरिए भी हम कंट्रोल रूम से यहाँ से उन सभी मतदान क्रिटिकल मतदान केंद्रों को यहाँ से देख सकते हैं। 1500 से अधिक का जो बल है जिसमें रीवा पुलिस का बल और हरदा पुलिस का बल वो लगाया गया है। इसके साथ में जो PTS के नवारक्षक हैं और ट्रेंड आरक्षक हैं, SAF के ट्रेंड आरक्षक हैं, उन सभी को सभी मतदान केंद्रों में, और उसके साथ में 80 पुलिस की सेक्टर मोबाइल पार्टीज लगाई गई है। इसके अतिरिक्त 80 सेक्टर मजिस्ट्रेट मोबाइल्स पार्टी लगाई गई है, उसमें भी पुलिस का बल लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारियों को